अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट फिलोसोफर को लर्न करने लगे हैं रिनाइसेंस पीरियड के। जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था, इसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पीरियड भी कहते हैं। इसके फर्स्ट फिलोसोफर हमारे पास आता है फ्रांसेस्को पेट्राइका। फ्रांसेस्को पेट्राइका को पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और इसको लर्न कर लेना है, और तैयार भी आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में इसको एज अ शॉर्ट रखना है। फ्रांसेस्को पेट्राइका जो है रिनेसेंस की बिगनिंग थी, ये इससे फर्स्ट फिलासफर है जिन्होंने इनको स्टार्ट किया था। उनका बिलीव था कि हमें ह्यूमंस पे काम करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों को इंटरप्रेट करना चाहिए। वो कहते थे हमें ह्यूमन बींग्स पे काम करना चाहिए कि उनकी क्या पोटेंशियल है, उनके क्या रोल्स हैं, उनको कैसे हम फ्रीडम दे सकते हैं, उन्हें कैसे हम फ्री विल कर सकते हैं। इस तरह की चीजों पे काम करना चाहिए, ना कि हमें उन्हें जज करना चाहिए। ठीक है, पेट्राइका क्या आर्ग्यू करता था एक पर्सनल रिलीजन को, वो कहता था किसी के रिलीजन को लेके मत उसको डिस्क्राइब किया करें, मत उस पर क्रिटिसाइज किया करें, उन्हें मत उस चीज पे जज किया करें। लाइक जिस तरह क्योंकि हमारे पास इससे पहले जो फिलोसफर आए थे सर्च फॉर द गुड लाइफ के, ऑगस्टाइन था, रिलीजन पे बेस करता था, बाइबल पे बेस करता था, चर्च का जो ऑनर था, इसलिए ये इन चीजों को लेके चलता था। तो उसने कहा पर्सनल फेथ होती है, ये एक पर्सनल फीलिंग्स होती हैं हर पर्सन की, इन चीजों को हमें नहीं डिस्क्राइब करना, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ह्यूमंस पे काम करना है। पेट्राइका का जो है वो आर्ग्यू करता था पर्सनल लाइफ इन दिस वर्ल्ड जो सा है, वो कहता था कि हर इंसान की अपनी जिंदगी है और वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और डेथ के बाद जो के उसकी वो जिंदगी डेथ पे आके खत्म हो जाएगी, और जो गॉड है वो चाहता है कि हर इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी हो, ना कि उसकी इनहिबिट हो। वो कहते हैं कि ना ये चीजें कोई विरासती नहीं होती कि आप एक पर्सन के अंदर जो चीज है वो नेक्स्ट पर्सन में होगे। हर इंसान के अंदर एक कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है जो उसका खुदा ने उसे दी हुई होती है। सो हमें हर पर्सन को एक मौका देना चाहिए कि वो अपनी एबिलिटी को दिखाए, शो ऑन करे। पेट्राइका जो उनसा था उसने न्यू फिलोसफी क्रिएट्स कोई नहीं की थी, उसने सारा कुछ उसी तरह ही रहने दिया था। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ रिनाइसेंस पीरियड से पहले वाले पीरियड्स को, सर्च फॉर द गुड लाइफ जो आफ्टर द अरिस्टोटल हुआ था, उसके सब लेक्चर्स को एक दफा जरूर देखें, क्योंकि इस पीरियड को अंडरस्टैंड करने से पहले उन पीरियड्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को लगेगा कि इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की, ये वही सब चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां इससे पहले आप देखेंगे सारा काम रिलीजियस पे हुआ था, हर वो चर्च में एक यूरोप में एक न्यू तहरीक चल गई थी, वहां पे रिलीजन को लेके, चर्च के बाइबल को लेके बहुत लोग सीरियस थे। तो वो वहां पे एक डार्क एजेस आ गई थी, लोग बहुत ज्यादा जो है चर्च के जो उनसे ऑनर्स थे उन्होंने काम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था यूरोप का। तो उसके बाद इन्होंने उस काम को सेटअप करना शुरू किया था एकदम से साइंटिफिक। अब स्टूडेंट्स कहेंगे ये ऐसा पीरियड है जिसमें साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुई, और यहाँ पे तो इन्होंने फ्रांसेस्को पेट्राइका ने कुछ भी साइंटिफिक कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। इन्होंने वो जो रिलीजन का डिस्टर्बेंस हो रही थी उसको ठीक किया, इन्होंने चैलेंज किया कि फिलोसफिकल अथॉरिटी पे, रिलीजियस पे। इन्होंने कहा कि हर इंसान के लिए एक ओपन द डोर है, कि हर इंसान को उनकी मदद करनी चाहिए, हर इंसान एक इंडिविजुअल तो है ना, इंडिविजुअलिज्म पे काम करे, ह्यूमन बींग्स पे काम करे, ना कि उन्हें इंटरप्रेट करे, ना कि उन्हें जज।